ईद मुबारक, ईद मुबारक, सब लोगों को हमारा ईद मुबारक, ईद मुबारक। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स फ्रॉम झांसी एंड अराउंड झांसी। So I am Sanket Kanchan, father of 3 brilliant kids, married to an Indian beautiful woman, worked in 2 MNCs for last 20 years, one German and one US company, turned into a social media marketing professional, and aaj main aap sabko is mubarak din par Eid ul Adha ki mubarakbad deta hu. Upar wale se mera sirf yahi dua hai ki aap log khush rahe, aap logon ka vyavsay badhe, आप लोग के घर समृद्धि आए और हर तरफ बहाली हो, खुशहाली हो, हम लोग रोज ईद मनाएं। आज मैं इस ईद के मुबारक दिन पर अपने अपने झांसी या झांसी के आसपास रहने वाले सारे लोगों की तरफ से हमारे कश्मीर के लोगों को ये मैसेज देना आया हूँ। मुझे लगा कि ये ज़रूरी है, हमारी पहली ईद जब हमारे देश का एक रूल हो गया, एक लॉ हो गया, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसमें हम सब आ गए, पूरे देश में सभी लोगों के लिए अवसर अब एक समान है और बहुत कुछ होना अभी कश्मीर में बाकी है इन टर्म्स ऑफ देयर प्रोग्रेस, उनकी बहाली के लिए। तो मैं सिर्फ ये कहने आया हूँ झांसी के जनता की तरफ से, झांसी के भाइयों बहनों की तरफ से, हमारे कश्मीर के भाइयों और बहनों को, कि हम सब आपके साथ खड़े हैं। हम जानते हैं कि आपके लिए एक छोटा नहीं बड़ा चेंज है, लेकिन यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत अच्छा चेंज है। इससे आपके यहाँ रोज़गार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, टूरिज़्म बढ़ेगा और आप लोगों के घर बहाली आएगी, आप लोगों का व्यवसाय और चमकेगा और तरक्की करेगा। और इससे अच्छी बात क्या होगी जब ईद के मौके पर आपके साथ पूरा झांसी ही नहीं, झांसी के साथ साथ हमारा पूरा देश 130 करोड़ भारतवासी आपके साथ खड़े हैं और आपके लिए दुआ कर रहे हैं कि आप लोग खुश रहें और कश्मीर को उतना ही सुंदर बना के हम लोग को दिखाएं, उतना ही बेहतरीन बना के दिखाएं जिसके बारे में हम लोग अपने माँ बाप से सुना करते थे, जिसके बारे में हम लोग ने अपने कहानियों में सुना है कि स्वर्ग अगर दुनिया में कहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में है, कश्मीर में है, कश्मीर में है। यकीन मानिए हम पूरे हिंदुस्तानी कश्मीर में आने का मौका ढूंढ रहे हैं अपने बीवी बच्चों के साथ। हम चाहते हैं कि हम आपके पास आएं, कहीं बैठ के आपके साथ कावा पिएं, किसी होटल में आपके साथ रोगन जोश खाएं, किसी होटल में आपके साथ रहें और आप लोग को जानें कि बीच में हमारा लिंक आपस में कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से टूटा है। हम चाहते हैं कि हम उसे दोबारा से बनाएं और यकीन मानिए बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा, क्योंकि हम सब कश्मीर के लिए तरस रहे हैं। हम इसलिए नहीं तरस रहे हैं कि वो एक बहुत सुंदर जगह है, वहाँ के लोग भी बहुत सुंदर हैं, वहाँ के कल्चर बहुत सुंदर है। हम सब उसको देखना और हम उसको अपनाना चाहते हैं। हम जगह जगह घूमते हैं, मैं क्या हर झांसी वासी राजस्थान जयपुर साइड गया होगा, महाराष्ट्र बॉम्बे और पुणे साइड गया होगा, साउथ में बेंगलोर हैदराबाद और चेन्नई तरफ गया होगा, ईस्ट में कैलकटा और आसाम देखा होगा, लेकिन हम लोग कश्मीर में तो बहुत ही कम लोग गए होंगे और वो चीज़ अभी भी हम लोग से वंचित है, हम नहीं देख पाए। हमें मालूम है आप लोग की तारीफ हर जगह होती है और हमें पूरा विश्वास है कि हमें वही देखने को मिलेगा जो हमने सुना है। बस एक डर था, बस एक झिझक थी जो हम लोग को वहाँ आने से आपके पास रोकती थी, लेकिन जब अब आएंगे तो पूरे पूरे खुले दिल खुले दिमाग से आएंगे और हम चाहेंगे कि हम वो याददाश्त वो यादें लेकर के आपके यहाँ से वापस लौटें
जो हम अपने बच्चों को खुशी से गर्व से सुनाएं कि वहाँ एक अलग अनुभूति है, वहाँ के लोग इतने सुंदर हैं, वहाँ की प्रथा इतनी सुंदर है, वहाँ का कल्चर इतना सुंदर है, वहाँ का खान पान इतना बढ़िया है कि आपको छुट्टियाँ मनानी हैं तो फिर कश्मीर में मनानी है। तो साहब इसी चीज़ पर आप सबको ईद की फिर से बहुत 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 बधाई, बहुत 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 मुबारकें, और इस वादे के साथ कि हमारा मिलना बहुत जल्द होगा झांसी बाज़ार, आप सबको ईद की दोबारा से शुभकामनाएं देता है और आपसे विदा लेता है। टिल द नेक्स्ट वीडियो, साइनिंग ऑफ, जय हिंद।